मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र ब्यूटी पेजेंट के ऑडिशंस की शुरुआत बड़े ही शानदार तरीके से आज शहर के एफटीवी लॉन्च में हुई है, जहां मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र ब्यूटी पेजेंट के लिए ऑडिशन राउंड हुआ। राउंड में जूरी ने पार्टिसिपेंट से इंट्रोडक्शन के साथ उनसे कई सवाल पूछे, साथ ही उनके हुनर को परखा। वहीं पार्टिसिपेंट्स ने रैंप वॉक कर अदाएं बिखेर कर जूरी को इम्प्रेस करने की कोशिश की और इसी ऑडिशन से जजेस द्वारा नागपुर से मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र के लिए मॉडल चुने गए। इस दौरान खास बातचीत की है मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र ब्यूटी पेजेंट के आयोजिका मिसेज जोया सिरा शेख, जज, फैशन डायरेक्टर एंड फैशन मॉडल कविता खरायत, रनवे और पेजेंट ट्रेनर, फैशन डायरेक्शन स्टाइलिंग सनी कामरे और फैशन कोरियोग्राफर ग्रूमिंग एक्सपर्ट पेजेंट कोच केतन अरमरकर के साथ। मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र ब्यूटी पेजेंट के ऑडिशंस जो है आज से शुरू हो चुके हैं। ये ऐसा पेजेंट है, पेजेंट तो हमने बहुत देखे हैं लेकिन ये अनोखा है कि क्योंकि इसे आयोजित किया है मिसेस जोया सिरा शेख। इन्होंने, हम उनसे जानते हैं कि आज जो है पहले ऑडिशन यहाँ नागपुर में शुरू हो चुके हैं, किस तरह से इसका आयोजन है, किस तरह की एंट्रीज आई और किस तरह से यहाँ नागपुर से आप मॉडल्स को चुनने वाले हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जोया शेख है। जैसे कि आप सभी मुझे शायद जानते हैं, मैं कारा की डायरेक्टर भी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज पहला ही दिन है ऑडिशन का, ये हमने एफटीवी लाउंज नागपुर में रखा हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। बहुत अच्छे से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, उनका टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड और साथ में उनका उनके अंदर क्या खूबियाँ है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि आगे आकर हमारे अंदर जो काबिलियत है उसको कैसे उभारना है। तो मैं सबका थैंक यू बोलती हूँ और यहाँ पे मीडिया टीम भी है, उसका भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। हम देखते हैं कि ब्यूटी पेजेंट तो अक्सर होते हैं लेकिन ये अलग तरीके से आपने किया है, इसमें के कुछ खासियत भी है कि पेजेंट तो बहुत होते हैं लेकिन हम ऐसे लोगों को चांस दे रहे हैं जो सोच नहीं सकते कि उन्हें, मतलब उनमें तो ख्वाहिश भी रहती है कि हमें जाना है, किसी प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। तो इसमें कहाँ कहाँ से एंट्रीज आई है आज? देखिए, यहाँ पे तो विदर्भ लेवल पर आया है और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरे शो की खासियत क्या है। सबसे पहली बात, इसमें टैलेंट राउंड होने वाला, जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं फिनाले के लिए, फिनाले जो मैं कंडक्ट करने वाली हूँ वो पुणे में होने वाला है। 11, 12, 13 अक्टूबर को फिनाले होगा पुणे में। और मैं आप लोगों को इसकी खासियत बताती हूँ कि इसमें टैलेंट राउंड होगा, इसमें पर्सनल इंटरव्यू राउंड होंगे, सोशल वर्क करना होगा आप लोगों को। मिस कैटेगरी का अलग किया हमने, मिसेस कैटेगरी के लिए अलग किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा, बड़ा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इवन कम्युनिटी ड्रामा भी हम लोगों ने यहाँ पे एक्ट रखा हुआ है 1 मिनट का। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिस एंड मिसेस कैटेगरी में हमारे जो विनर्स होंगे वो विनर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सबसे बड़ी खास बात है मेरे मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र के शो की। और जजेस भी है जो आपने इस तरह के जजेस रखे हैं जो फाइनल या सेमी फाइनल के लिए रहते हैं, तो ऑडिशन से ही जो है जजेस इस तरह के, कौन कौन जजेस है क्या बताओ? आज के जो मेरे जूरी पैनल पर बैठे हैं, मिसेस कविता खरायत, आप शायद उन्हें सभी लोग जानते हैं। शी इज़ अ फैशन मॉडल, शी इज़ अ कोरियोग्राफर, शी इज़ अ रैंप वॉक ट्रेनर, स्टाइलिस्ट। एंड सनी कामड़े, ही इज़ ऑल्सो मॉडल एंड ही इज़ ऑल्सो स्टाइल एक्सपर्ट। एंड केतन को भी शायद आप लोग जानते हैं, वो नागपुर से बिलोंग करते हैं। कविता एंड सनी, ये लोग बॉम्बे से हैं। ये लोग अपने आप में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि मुझे उन लोगों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और केतन को भी सभी लोग जानते हैं, ही इज़ अ कोरियोग्राफर एंड ग्रूमिंग एक्सपर्ट। थैंक यू। मिस एंड मिसेस ब्यूटी पेजेंट का जो है आयोजन हो चुका, आयोजन किया गया है और इसका आगाज जो है आज बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। हमारे साथ उन्हीं के जज है, उनसे हम जानते हैं कि क्या बताओगे इस ब्यूटी पेजेंट के बारे में। फैशन कोरियोग्राफर केतन अरमरकर, मेरी क्लासेस है एकेडमी नागपुर में। मुझे इन लोगों ने बुलाया था आज ऑडिशन के लिए। गाइस, ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ है। ये जो ऑडिशन होने वाला है ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में होने वाला है। इस शो का नाम है मिस मिसेस महाराष्ट्र 2023। तो मैं कहना चाहूँगा जितने भी यहाँ पे ऑडियंस आई थी,
जितने भी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था बेस्ट सब लोग थे, और जितने भी मेरे पुणे के मुंबई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सब लोगों को अपील करना चाहूँगा कि गाइस सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, अमेजिंग शो होने वाला है ये। हम सभी को पता है कि मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र जो ब्यूटी पेजेंट है उसके ऑडिशन आज से शुरू हो चुके हैं और नागपुर में फर्स्ट ऑडिशन हो चुके हैं। उसके जज हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं ब्यूटी पेजेंट के बारे में किस तरह से नागपुर से उन्हें प्रतिसाद मिला है, रिस्पॉन्स मिला है। नमस्कार नागपुरकर्स, बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे होकर। बहुत सालों बाद आया हूँ मैं नागपुर, और मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, और नागपुर में आई एम श्योर इतने इवेंट्स होते नहीं हैं कंपेयर्ड के फैशन में, स्पेशली डांस वगैरह होते रहेंगे बट फैशन शोज़ और शूट्स ज़्यादा होते नहीं है ऐसे मेरे सुनाई में आया है। पर ये इवेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, थैंक्स टू जोया सिराज शेख फॉर हैविंग अस हियर एंड मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ दिस होल इवेंट। और कंटेस्टेंट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, सब कैटेगरी में कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, 18 साल से लेकर 50 साल के औरतें आई है, और वो एक डाइवर्सिटी देखने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टैलेंटेड है। कुछ लड़कियां बगैर ट्रेनिंग के इतना अच्छा वॉक कर पा रही है, एक मैडम आई है 50 ईयर ओल्ड, सच अ वंडरफुल पर्सनालिटी, इतना प्यारा ऑरा है उनका। उन्होंने गाना भी गाया अपने टैलेंट राउंड में, और वो गाना भी बहुत प्यार से गाया, सो वेरी हैप्पी टू बी हियर, बहुत खुशी हो रही है। अगेन थैंक यू जोया फॉर हैविंग अस हियर एंड थैंक यू नागपुर फॉर हैविंग अस हियर। किस तरह के यहाँ पे राउंड्स लिए गए हैं इस शो, मतलब ऑडिशन में? तो ऑडिशन में हम स्पेशली ये जानना चाह रहे हैं कि आपका वॉक कैसा है, कितना क्लीन एंड क्लियर है। हम लोग स्पेशली ये नहीं ढूंढ रहे कि कोई मॉडल आए, हमें आपकी पर्सनालिटी देखनी है, और वो पर्सनालिटी आपके वॉक के थ्रू, आपके इंट्रोडक्शन के थ्रू, और ये भी जानना है आपके टैलेंट के थ्रू, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या फिर एक एक्टिंग मोनोलॉग हो, तो उससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और कितने खुल के परफॉर्म कर सकते हो, तो वही चल रहा है अंदर अभी। मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र ब्यूटी पेजेंट का जो है शानदार तरीके से आगाज़ हो चुका है, उसके आज फर्स्ट ऑडिशन जो है नागपुर में हुए हैं, इसमें कई मॉडल्स ने शिरकत की है। क्या बताओगे मैम, आप जज के तौर पर उन्हें जज कर रही थी, कई राउंड्स यहाँ लिए गए हैं उनके, क्या लगा, क्या बताओगे? आई एम सुपर एक्साइटेड, नागपुर में इतने अच्छे लड़कियाँ कंटेस्टेंट्स हो गए, इट्स बीन सो अमेजिंग, एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम एज अ ऑडिशन फॉर अ पेजेंट फॉर मिसेस महाराष्ट्र। आई एम सुपर एक्साइटेड, थैंक यू जोया फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, एंड बहुत ही अच्छे टैलेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं, बट उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, बट वी रियली वॉन्ट टू ब्रिंग देम इन द कॉन्टेस्ट, सो वी बिल्ड द कॉन्फिडेंस, एंड दिस पेजेंट इज नॉट ओनली अबाउट लुकिंग द बेस्ट, लुकिंग वेयरिंग द फैब कॉस्ट्यूम, वी वॉन्ट टू देम टू एम्पावर वुमेन, टू एम्पावर, वी वॉन्ट देम टू हैव दैट प्लेटफॉर्म वेयर दे डोंट फील हेजिटेट, उनका कॉन्फिडेंट लेवल हमें हायर एंड हायर लेके जाना है। ब्यूटी पेजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन इस ब्यूटी पेजेंट के बारे में आप क्या खास कहना चाहोगे, और किस तरह के राउंड इस ब्यूटी पेजेंट में ऑडिशंस में लिए गए? सो इस पेजेंट में हमने ऑडिशन के लिए आज रखा है वॉक राउंड, इंट्रोडक्शन एंड द टैलेंट, वट एवर दे आर कम्फर्टेबल विद, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन द पेजेंट देयर आर गोना बी अ लॉट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लुकिंग द बेस्ट एज आई सेड अर्लियर एंड परफॉर्मिंग एंड लुकिंग लाइक ग्लैमरस, उसके साथ काफ़ी सोशल कॉजेज है विच यू विल कम टू नो, यू हैव टू वेट एंड वॉच। क्या कहना चाहोगे, अगर नेक्स्ट ऑडिशन कहाँ होने वाले, और जो भी मॉडल्स आए थे उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहोगे? Be confident and don't shy away to come for the audition. It's okay if you are not a great walker, if you can't speak that well. We are here, professional are here to train you. Just come and do audition, and we are hoping next city is Pune, and we are super excited for that. तो हमने यू तो हमने ब्यूटी पेजेंट बहुत देखे हैं, लेकिन ये जो मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र ब्यूटी पेजेंट होने जा रहा है, इसके ऑडिशन जो है नागपुर से शुरू हो चुके
चुके हैं। हमने देखा कि काफ़ी मॉडल्स यहाँ जो आई थी उन्होंने अपनी पेशकश दी है, अपने टैलेंट को यहाँ जो है जजेस के सामने दिखाया है। और ऐसे ही ब्यूटी पेजेंट की ऑडिशन जो है पूरे महाराष्ट्र में होने वाली है। और फिर इसके बाद जो है महाराष्ट्र को मिस और मिसेस इस ब्यूटी पेजेंट के द्वारा मिलने वाले हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।